वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अब मैं गांव से वापस आ चुकी हूँ, मुझे घर से वापस आए 2-4 दिन हो चुके हैं और मैं अपना वीडियो सोलन में शूट कर रही हूँ अभी। तो अभी मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपना एक रैंडम सा व्लॉग बनाऊं कि मेरा पूरा दिन कैसा गया है। और वहाँ कितनी सुंदर सी वो पेंटिंग इतनी अच्छी लग रही है बुद्ध भगवान जी की। तो हाँ चलो छड्डो। तो हाँ, तो आज मैं अपना ब्लॉग शूट करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा काम के लिए मार्केट भी जाना है, क्योंकि मुझे एक फॉर्म है जिसे मुझे सेल्फ अटेस्ट करके पोस्ट करना है, उसके लिए मुझे मार्केट जाना है। और शायद मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है, क्योंकि कुछ स्पेशल है उस चीज़ के लिए। मतलब मेरी फ्रेंड का कुछ स्पेशल डे है आज, तो अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं मार्केट के लिए तैयार हो जाऊंगी। और मुझे जल्दी वापस भी आना है, क्योंकि मेरी क्लास होती है तो मुझे वो क्लास लगानी है। तो चलिए पहले हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आज गोभी के परांठे। अकेले रहन तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में गोभी के परांठे, और मैं बताऊंगी आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ गोभी, और ये गोभी में मुझे ब्लू कलर का कीड़ा दिख रहा है। कैन यू सी, मतलब मैं पीछे से बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप सबको। ब्लू कलर का कीड़ा कैसे हो गया है? ये है मेरी गोभी और इसमें ना ब्लू कलर का कीड़ा है। मेरी लाइफ में पहली बार ब्लू कलर का कीड़ा देखा है। और मैंने यहाँ पे प्रेपरेशन कर दिया, मैंने आटा डो थोड़ा सा ऐसे करके रख दिया है। और अब यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर का कीड़ा। चलो भाई गोभी को वॉश करती हूँ मैं। तो गाइज, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने अपने रूम की सफाई की, और रूम पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, मैंने डस्ट को क्लीन किया। और मैं उसके बाद फ्रेश हुई, और जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया तो मैं शूट करना भूल गई एज ऑलवेज। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट के लिए तैयार हुई और मैं मार्केट के लिए निकल गई। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है। और मैंने जैसे बताया था कि मुझे एक अपने दोस्त से मिलना है, बट शायद ही मैं मिल पाऊँ, क्योंकि जो मेरी सखियाँ हैं जो मेरे साथ आने वाली थी वो नहीं आ रहे, तो शायद मैं मिल पाऊँ। पता नहीं क्या बनता है, जाके पता चलेगा मुझे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और मुझे मार्केट में अपना पूरा काम करके जल्दी लौटना भी है। तो पहले मैं अभी मार्केट के लिए निकलती हूँ, और आगे की जो जो चीज़ें होती रहेगी वो मैं आपके साथ छोटी छोटी क्लिप करते हुए शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल जाती हूँ, और इतनी गर्मी है और मैंने बाल भी ऐसी पोनी बना के रखी है ताकि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। भाई इतनी धूप है, और मैं देख रही हूँ कि मैं जैसे जैसे शूट कर रही हूँ धूप जिस जगह पे पड़ रही है वैसे मेरे रिफ्लेक्शन की वजह से मैं बहुत काली दिख रही हूँ। वैसे मैं खूनी भी काली। और यहाँ पर देखिए पीछे से ऑटो आ रही है। ओ यार, इस साइड में गोरी लग रही हूँ। वो ऑटो भी आ गई है। चलते हैं मार्केट और अपना पूरा काम करते हैं। अंकल देखिए आगे, चलो पहले अंकल दिखाती हूँ मैं। कुछ नहीं चला, रिकॉर्डिंग करते हैं। नहीं नहीं अंकल, हाय तो बोल दो। यूट्यूब में लगाऊंगी मैं। तो गाइस ये है हमारा ब्यूटीफुल सा सोलन। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा पेड़ है ना, तो ये देखिए ब्यूटीफुल सोलन का व्यू। पूरा सोलन कुछ इस तरीके से दिखता है। अरे तो वो बीच नहीं था, कितने लोग आ गए थे वहाँ पे। क्या मतलब प्लॉट वो भी हो जाए, कल दे बिक भी जाए। रास्ता है ना, डबल रास्ता पागल है। अब डायरेक्ट रास्ता भी है उनका ना, अगर वो नीचे से रास्ता ले ले तो रास्ता है। वो नीचे ऐसे नहीं, वो तो ना है ही रास्ता, पर पीछे से भी रास्ता है जो नेक्स्ट।
हाय एवरीवन, तो मैं यहाँ अभी आई हूँ घी लेने और मुझे घी वाला कॉर्नर नहीं मिला। मतलब मुझे घी लेना था, कल मैंने घी लिया था वो बहुत ही बकवास था तो मैंने उसे वापस कर दिया और मैं अभी घी लेने आई हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ सोलन का बीच मार्केट, और ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी क्राउड होती है हमेशा, और यहाँ की ये सस्ती मार्केट भी है यहाँ पे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करके और अब मैं जा रही हूँ घर पे, और शॉपिंग के नाम पे मैंने सिर्फ राशन लिया है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। और अभी तो यहाँ पर तो मुझे गर्मी भी लग रही है, काश कोई ऑटो मिल जाती ऊपर जाने के लिए तो कितना बढ़िया होता, अब मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा आप कभी सोलन आए हो तो आप जूडियो आए हो, तो ये है जूडियो, सस्ता सरोजनी नगर, जहाँ पे सभी जाता है शॉपिंग करने के लिए। आप भी आए और आप भी शॉपिंग करें, और जो मेरे नॉन हो मुझे भी कराए शॉपिंग। तो एवरीवन कल आपने मेरा पूरा दिन देखा कि कैसे रहा। उस जब मैं मार्केट से आई मैंने बोला था कि मैं जो मार्केट से शॉप करके लाई हूँ वो मैं दिखाऊंगी, पर मैं भूल गई और मैं इतना थक गई थी और इतनी गर्मी थी। घर आने के बाद मैंने अनपैक किया सबको और सामान को अपनी जगह पर अरेंज किया, उसके बाद मैं सो गई, फिर मैं वॉक पर चली गई, और उसके बाद पता नहीं मैं थोड़ी पढ़ाई की और मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीता। और मैं सबसे मेन चीज़ भूल गई कि मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा आ रही हूँ ट्रैक पे तो मुझे टाइम लगेगा। तो अभी होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग और इतनी अच्छी धूप आ रही है रूम पे, ये देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज़। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरे ब्रेकफास्ट में है आज, तो मेरे ब्रेकफास्ट में है एग, और ये है बाजरे की रोटी, और ये है नॉर्मल आटे की रोटी। तो हाँ, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत सारी तेज़ धूप पड़ रही है। लव यू ऑल।